अनुजी ने इजराइल के राष्ट्रगान धुन चुराने के आरोप पर जवाब में ऐसा कहा। जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे अनुजी और विवादों का पुराना नाता है। पहले मी टू के आरोप उन पर लगे, पर वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए। और उसके बाद एक बार फिर से अनुजी फिलहाल ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं, और यूजर्स का ये कहना है कि उन्होंने इजराइल के राष्ट्रगान की धुन को फिल्म दिलजले के लिए कॉपी किया। असल में हुआ ऐसा था कि इजराइल ने टोक्यो ओलंपिक में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता, तो ऐसे में खिलाड़ी के सम्मान में एक राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। और जब ये राष्ट्रीय गान भारतीय ने सुना तो उन्हें लगा कि ये गाना कहीं सुना हुआ लग रहा है, और पता लगता है कि ये फिल्म दिलजले का था जिसे अजय देवगन पर फिल्माया गया था। अब इतने सारे आरोपों के बाद अनुजी ने अपना मुंह खोला, और अनुजी कहते हैं कि इस वक्त में आप लोगों के ऐसे सवालों का जवाब देने की हालत में नहीं हूँ। अभी अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ का निधन हुआ है और मैं बड़े दुख में हूँ। ऐसे में क्या आपको लगता है कि मैं इस दुख के समय में आपके इन सवालों का जवाब दूंगा? तो इस तरह अनुजी इस पूरी बात से बचते नजर आते हैं। वैसे अनुजी की बात में यहाँ हमें कोई तर्क नजर नहीं आता है, पर फिर भी आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। तब तक हम इंतजार करते हैं और अनुजी के पुख्ता जवाब का इंतजार करते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। शुक्रिया।